Let's learn together. आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आप सबको पता है कि जो ह्यूमंस हैं, इंसान है, वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। वो अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हमारा शरीर डिफरेंट जो फंक्शंस हैं, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है। टिल 10,000 BCE तक जो इंसान था वो नोमैडिक था, यानी अपने खाने के लिए और रहने के लिए इधर उधर भटकता रहता था। फिर उसके बाद वो क्या करता था, जो कच्चे फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब खाता था। धीरे धीरे उसने जानवरों का शिकार करना शुरू किया, उनको खाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे खेती करना सीख लिया, और जैसे राइस है, वीट है, चावल है, गेहूं है, इन सबको उगाना सीख लिया, और ऐसे जो है एग्रीकल्चर का राइज हुआ। क्रॉप, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक तरह के जो पौधों को एक ही जगह पर बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजंस। हमारे भारत में जो क्रॉप्स है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है सीजंस, जो मौसम है, मौसम के आधार पर, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, क्रॉप्स ऑन इन द रेनी सीजंस, वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में यानी बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। इनका टाइम होता है जून टू सितंबर, इस टाइम पे ये उगाई जाती है। पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का, कॉटन, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, ये सारे क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन इन विंटर सीजन, वो क्रॉप्स जो विंटर यानी सर्दियों के मौसम में उगाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। इनका टाइम होता है अक्टूबर से मार्च तक, इस टाइम पे ये उगाई जाती हैं। वीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, पी, मटर, मस्टर्ड एंड लिनसीड यानी कि अलसी, ये सारी क्या है, खरीफ क्रॉप्स हैं। पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस, जो दालें हैं और जो सब्जियां हैं वो गर्मी के मौसम में कई जगह पर उगाई जाती हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑल एक्टिविटीज विच फार्मर्स डू फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स, वो सारी एक्टिविटीज जो एक फार्मर, एक किसान करता है फसल उगाने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। Tools which are involved in cultivation of plants are called agricultural implements. वो सारे tools जो खेती करने में काम आते हैं उन्हें हम बोलते हैं agricultural implements या फिर agricultural tools. Various agricultural practices, ये सारी वो activities हैं जो एक किसान करता है फसल उगाने के लिए, ये हम one by one देखेंगे। First है प्रिपरेशन ऑफ सोयल, वो क्या करता है, पहले सोयल को तैयार करता है, मिट्टी को तैयार करता है, सोइंग, फिर बीज बोता है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फिर जो उसमें खाद और फर्टिलाइजर्स हैं उनको ऐड करता है, इरिगेशन, सिंचाई करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे उनको बचाता है, हार्वेस्टिंग, फिर उसको काटता है, एंड देन स्टोरेज, फिर उसको स्टोर करता है। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। Before sowing the crop seeds, the soil of fields is loosened and overturned. This process is called ploughing or tilling. बीज को बोने से पहले जो सोयल, खेतों की जो मिट्टी है उसको क्या किया जाता है, लूज किया जाता है और उसको ओवरटर्न किया जाता है। Ploughing causes ventilation of soil and makes it suitable for the growth of small organisms living in it. Ploughing क्या करती है, वेंटिलेशन ऑफ सोयल करती है, जिससे जो माइक्रो, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जो उसके अंदर रह रहे हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए। और जो सोयल है उसको लूज क्यों किया जाता है, आपको पता है जो मिट्टी की जो ऊपरी कुछ परत, कुछ सेंटीमीटर तक की जो परत है, सिर्फ वही प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती है। जब हम सोयल को लूज करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट रिच सोयल है, नीचे वाली है, वो ऊपर आ जाती है और उससे जो हमारी फसल है वो अच्छे तरीके से उगने में मदद मिलती है, और वो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आराम से जो प्लांट्स हैं वो वहाँ से ले पाते हैं।
After ploughing, the soil is distributed evenly and leveled in the process called leveling. प्लोइंग करने के बाद जो सोयल है उसको एक समान कर दिया जाता है, एक जैसा कर दिया जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है इसे हम लेवलिंग कहते हैं। मतलब जो भी मिट्टी के वो बन जाते हैं, बड़े बड़े क्रम्स बन जाते हैं, उनको तोड़ दिया जाता है, उसको अच्छे से लेवल किया जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेवलिंग। मैन्योर इज एडेड टू द सोयल एज इट हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोयल। कई बार हम क्या करते हैं, जो मैन्योर है, खाद है, उसको हम मिट्टी के साथ पहले ही मिला देते हैं। प्लोइंग करने से पहले हम उसमें खाद डाल देते हैं, जिससे कि जो सोयल है वो मैन्योर के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स यानी कि एग्रीकल्चरल टूल्स, प्लो यानी हल, और लार्ज फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स, ये क्या है, एक लार्ज फार्मिंग टूल है विद वन और मोर प्लेयर्स फिक्स्ड इन अ फ्रेम, जिसमें एक या एक से ज्यादा जो ब्लेड हैं उनको एक फ्रेम के अंदर फिक्स किया गया है, जोड़ा गया है। यूज्ड टू टर्न ओवर एंड कट फरोज इन सोयल, ये यूज किया जाता है मिट्टी को पलटने के लिए और सोयल के अंदर फरोज बनाने के लिए। फरोज क्या है, जो फील्ड है, खेत है, उसके अंदर एक सीधी लाइन बना दी जाती है जिसके ऊपर वो बीज बो सकते हैं। जैसे ये फील्ड है, इसके ऊपर ये ऐसे लाइंस बना दी जाती हैं और जो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर फिर बीज बोए जाते हैं। कल्ड प्लो, इसे हम हल बोलते हैं। प्लो मे बी मेड ऑफ ओनली वुड, जो हल है वो सिर्फ लकड़ी का भी बना हो सकता है, वुड एंड आयरन, लकड़ी और लोहे दोनों का हो सकता है, एंड ऑफ आयरन ओनली, या सिर्फ लोहे का भी हो सकता है। प्लो शेयर द मेन कटिंग ब्लेड ऑफ अ प्लो, जो प्लो का मेन कटिंग ब्लेड है उसे हम बोलते हैं प्लो शेयर। हो अ टूल विच इज यूज्ड फॉर रिमूविंग वेट्स एंड फॉर लूजनिंग द सोयल, हो क्या है, एक टूल है जो यूज किया जाता है वीड्स यानी कि जो अनवांटेड प्लांट्स, अनचाहे जो पेड़ है वो खेत के अंदर ग्रो हो जाते हैं, उनको हटाने के लिए और सोयल को लूज करने के लिए। कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय अ ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, आजकल जो प्लोइंग है वो ट्रैक्टर ड्राइवन जो कल्टीवेटर है उनसे की जाती है। ट्रैक्टर के साथ जो कल्टीवेटर है उसको अटैच कर दिया जाता है और फिर प्लोइंग की जाती है। सोइंग ऑफ सीड्स यानी कि बीज को बोना, फार्मर सेलेक्ट द गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स विच गिव हाई यील्ड, फार्मर्स क्या करते हैं, जो गुड क्वालिटी का सीड है उसको सिलेक्ट करते हैं ताकि अच्छी उपज हो। और वो अच्छी क्वालिटी का सीड है वो ये कैसे करते हैं, जैसे है उनको गेहूं की फसल उगानी है तो क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर गेहूं डालेंगे और उसके अंदर पानी डाल देंगे, फिर उसके बाद जो होलो जो सीड है, जो खराब सीड्स हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे। फार्मर फिर जो खराब सीड है उनको अलग कर देते हैं और जो अच्छे सीड जो नीचे बैठ गए हैं, हाई क्वालिटी के हैं, उनको फिर ऐसा सीड यूज करते हैं फसल बोने के लिए। आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ सोयल दीज सीड्स आर डिस्पर्स्ड इन द फील्ड एंड दिस इज कॉल्ड सोइंग, जब सोयल को तैयार कर लिया जाता है, मिट्टी को तैयार कर लिया जाता है, उसके बाद जो ये बीज है इनको खेत के अंदर बखेर दिया जाता है और इसे हम बोलते हैं सोइंग ऑफ सीड। कैन बी डन बाई हैंड और बाई यूजिंग सीड ड्रिलिंग मशीन, जो सोइंग है वो हम हाथ से भी कर सकते हैं, बीजों को हाथ से भी बो सकते हैं, या फिर आजकल सीड ड्रिलिंग जो मशीन हैं वो अवेलेबल हैं, उनसे भी बो सकते हैं। सम क्रॉप्स लाइक पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इनटू सीडलिंग्स इन अ स्मॉल एरिया एंड देन ट्रांसप्लांटेड टू द मेन फील्ड, कुछ जो क्रॉप्स हैं लाइक पैडी, जैसे जो धान है, उनको पहले एक छोटे से एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है सीडलिंग के अंदर, फिर उसके बाद उनको वहां से उठाकर जो मेन फील्ड है जहाँ पे उनको उगाना है वहां पर लगा दिया जाता है। मैन्योरिंग, क्रॉप्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो, जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड कॉजेस डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल, जब हम क्रॉप को एक ही फील्ड के अंदर क्रॉप को बार बार उगाए जाते हैं तो उससे क्या होता है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी सोइल के अंदर कमी हो जाती है। जैसे हमने गेहूँ उगाए हैं वो उनको काट लिया, काटने के बाद हमने तुरंत बार फिर से फसल उगा दी है और मतलब बीच में कुछ टाइम के लिए हमने उसको छोड़ा नहीं है, तो उससे क्या होगा, खेत को खाली नहीं छोड़ा तो उससे क्या होगा, जो मिट्टी है उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। मैन्योरिंग इज द प्रोसेस वेयर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स आर प्रोवाइडेड, जो मैन्योरिंग क्या है वो प्रोसेस है जिसमें जो न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स हैं
वो सॉइल को प्रोवाइड करवाए जाते हैं एंड दीज सप्लीमेंट्स में भी नेचुरल मैन्योर और केमिकल कंपाउंड्स फर्टिलाइजर्स, और जो ये सप्लीमेंट्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और केमिकल कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. नेचुरल कौन सा है? मैन्योर है. केमिकल कंपाउंड है फर्टिलाइजर. मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट्स. जो मैन्योर है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. ये हमें कहाँ से मिलता है? डीकंपोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट. जो जैसे काउ डंग है उसको क्या करते हैं, हम पहले पिट्स बना लेते हैं, गड्ढे बना लेते हैं, फिर उसको काउ डंग को जो गोबर है उसको वहाँ पे डाल देते हैं, फिर उसके अंदर जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पैदा हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, उसको खाद में बदल देते हैं. हाउ टू रिप्लेनिश, हेल्प्स टू रिप्लेनिश द सॉयल विद न्यूट्रिएंट्स. मैन्योर किस में हेल्प करते हैं? जो सॉयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं. Fertilizers, deficiency of a particular nutrient is made up by adding chemical substances called fertilizers. जब soil के अंदर किसी particular nutrient की कमी हो जाती है तो उसे पूरे करते हैं fertilizers. जैसे आपने कोई फसल बोई है वो phosphate ज़्यादा use कर रही है, ठीक है, उसको phosphate की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो जब वो फसल उगी उसने सारा फॉस्फेट ले लिया, हम बार बार वही फसल उगाएंगे तो जो फॉस्फेट की जो कमी है सोयल के अंदर वो हो जाएगी. तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? फर्टिलाइजर्स का. एग्जांपल यूरिया, सुपर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं? फर्टिलाइजर्स हैं. और ये क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप. जब हम एक क्रॉप को बार बार उगाते हैं तो उसकी वजह से जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसकी सोयल के अंदर कमी हो जाती है. अदर मेथड्स फॉर सोयल रिप्लेनिशमेंट आर वर्मी कंपोस्ट, क्रॉप रोटेशन, प्लांटिंग ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स. ये कुछ और मेथड्स हैं जिनसे हम मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकते हैं. वर्मी कंपोस्ट, इसमें हम जो केचुए होते हैं उनका यूज करके खाद बनाते हैं. क्रॉप रोटेशन, जैसे हम क्या करेंगे, पहले हमने वीट लगा दिया, फिर बीच में हमने मेज या कॉटन वगैरह लगा दिया, फिर उसके बाद हमने पैडी लगा दी, मतलब क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं, हर बार हम दूसरी क्रॉप को लगा रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो पूरी होती है. प्लांटिंग ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे मटर है, चना है, हम क्या करते हैं बीच में उनको बोते हैं. जो चना है उनकी जो रूट्स हैं, रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होते हैं, वहाँ पे राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पे प्रेजेंट होता है. वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. तो ये सारे क्या है, ये मेथड्स हैं जिनसे सोयल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाती है. इरिगेशन यानी सिंचाई, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स. जब हम क्रॉप को रेगुलर इंटरवल पर पानी देते हैं उसे हम बोलते हैं इरिगेशन. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सोयल टू सोयल एंड सीजन टू सीजन. जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है इरिगेशन की वो डिपेंड करती है क्रॉप टू क्रॉप की कौन सी फसल उगाई जा रही है, कौन सी मिट्टी में उगाई जा रही है या फिर कौन सा सीजन चल रहा है. जैसे आप देखो गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में हमने कोई फसल उगाई है, हमने उसमें पानी दिया, गर्मी में क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है जिसकी वजह से एवोपरेशन भी होता है. एवोपरेशन जल्दी होगा तो हमें जो पानी है वो बार बार देना पड़ेगा, इरिगेशन हमें बार बार करना पड़ेगा. वही फिर जो मानसून सीजन है उसमें क्या होता है, पहले ही बारिश हो रही है तो उसे उसमें हमें जो क्रॉप्स है उसको पानी देने की कम जरूरत पड़ती है. तो ये क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है क्रॉप टू क्रॉप और सीजन टू सीजन. मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये सिंचाई के तरीके हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स. ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड होते हैं जो परंपरागत, जो पहले से ही चले आ रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड. मॉडर्न मेथड वो मेथड होते हैं जो हम आज के टाइम पे यूज कर रहे हैं. ट्रेडिशनल मेथड कौन कौन से हैं, मॉट यानी पुली सिस्टम, इसमें क्या है एक बकेट और एक रॉक का यूज किया जाता है. जैसे वेल है, कुआ है, उसके ऊपर क्या है पुली लगी होती है और उससे मतलब एक जो रस्सी है वो बंधी होती है एक साइड और रस्सी के आगे क्या है बाल्टी को बंधा होता है. जब हम उसको ऐसे खींचते हैं तो जो पानी है वो ऊपर आ जाता है, उससे हम सिंचाई करते हैं.
तो ये है मॉट यानी कि पुले सिस्टम। दूसरा सिस्टम है चेन पंप सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो टू लार्ज व्हील्स हैं वो यूज किए जाते हैं। एक जो व्हील है उसको ऊपर लगा दिया जाता है, दूसरा जो व्हील है उसको हाफ पानी के अंदर डिप कर दिया जाता है। और यहाँ पे क्या है, कंटेनर बांध दिए जाते हैं, फिर जब ये व्हील रोटेट होते हैं तो वो कंटेनर यहाँ से भरता है और ऐसे ऊपर जाता है। यहाँ पे सामने कोई भी कैनाल बना दिया जाता है और उसमें से पानी पूरे खेत में चला जाता है। फिर है ढेकली। इसमें क्या होता है, रोप प्लस कंटेनर का यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक वाई शेप की कोई भी लकड़ी लेते हैं, सामने यहाँ पे वेल है, वाई शेप की एक लकड़ी हमने ली है उसको यहाँ पे गाड़ दिया, और यहाँ पे हमने एक और लकड़ी ली है उसके एक साइड हमने इस साइड तो स्टोन बांधा है, कोई भी भारी पत्थर बांध दिया है, और इस साइड हमने क्या किया है, रोप के साथ बाल्टी को बांध दिया है। जब हम इस साइड से जहाँ हमने पत्थर बांधा है यहाँ से उसको दबाएंगे तो जो पानी है वो ऊपर आएगा और फिर बकेट से हम उस पानी को पूरे खेत में दे सकते हैं। राट पुल बाय ऑक्स, ये क्या होता है, जो बैल होता है उसके द्वारा किया जाता है। पर ये ट्रेडिशनल मेथड है, इनमें पानी वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से हम इनको कम यूज करते हैं। मॉडर्न मेथड्स, फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर्स का यूज किया जाता है। जैसे फील्ड है उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐसे पाइप्स की लाइन बिछा देते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्प्रिंकलर लगे होते हैं जो जब रोटेट करते हैं तो जैसे बारिश होती है ना वैसे वो पानी को पूरे खेत में फेंकते हैं। और ये कौन सी क्रॉप में यूज किया जाता है, जैसे पोटैटो है, वीट है, इन क्रॉप्स में हम स्प्रिंकलर जो सिस्टम है इसका यूज कर सकते हैं। सेकेंड है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब हम फील्ड के अंदर क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो प्लांट्स के पास में से जो एक पतली सी पाइप है पानी की वो उसके साथ में बिछा दी जाती है, उसके अंदर कुछ होल होते हैं और वहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी है वो प्लांट्स की रूट्स में जाता है। ये हम किस में कर सकते हैं, जो शुगर केन है, गन्ना है, जब हम उसको ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे हम ड्रिप सिस्टम का यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। Weeds are unwanted plants which grow among crops. Weeds क्या है? Unwanted plants हैं जो फसल के बीच में उग जाते हैं। The removal of weeds is called weeding. और जो unwanted जो plants हैं इनको खेत में से remove करना कहलाता है weeding. They are removed by using weedicides. उनको हम कैसे remove करते हैं? Weedicides का use करके। Weedicides क्या होते हैं? Weed killer होते हैं। 2,4-D क्या है? ये weed killer है। By manually pulling them with hands, या फिर हम उनको हाथ से खींच के निकाल देते हैं। And some are removed during soil preparation. और कुछ को जब हम soil prepare करते हैं, soil को तैयार करते हैं, उस time पे निकाल देते हैं। ये जो ये weeds हैं, हम इनको इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये जो crop plants हैं, उसके साथ compete करते हैं। किसके लिए? पानी के लिए, nutrients के लिए, स्पेस के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो पाए, ठीक है, और लाइट के लिए, इन सब चीजों के लिए ये उनके साथ कम्पीट करते हैं, जिसकी वजह से फसल फिर अच्छे से नहीं उग पाती है। और ये मतलब डेंजरस भी होते हैं हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, तो इसलिए हम इनको हटा देते हैं। हार्वेस्टिंग, द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब फसल पक जाती है तो उसके बाद हम उसको काट देते हैं, वो कहलाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज डन बाय सिकल। हार्वेस्टिंग सिकल के द्वारा जो दराती होती है उससे भी की जा सकती है, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और एक मशीन के द्वारा भी की जा सकती है जिसे हम बोलते हैं हार्वेस्टर, यानी कि जैसे जो कंबाइन है उसके द्वारा। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो ग्रेन्स है, जो अनाज के दाने हैं, उनको चेफ से अलग करना, भूसे से अलग करना कहलाता है थ्रेशिंग। और मैनुअली इन स्मॉल स्केल विनोइंग, जब किसी इंसान के पास जमीन कम होती है, उसके पास जो ग्रेन्स हैं वो कम होते हैं, तो वो कैसे करता है? विनोइंग के थ्रू। विनोइंग क्या होता है? हवा या हवा के झोंकों के द्वारा जो ग्रेन्स हैं उनको भूसे से अलग करना। स्टोरेज, ग्रेन्स ऑब्टेन्ड बाय थ्रेशिंग आर ड्राइड इन द ओपन। जो ग्रेन्स हमें मतलब थ्रेशिंग के बाद जो हमें ऑब्टेन्ड हुए हैं उनको हम क्या करते हैं, किसी भी ओपन जो जगह है, खुले स्थान पर, वहां पे उनको सुखा देते हैं। द ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन गनी बैग्स। और जो सूखे हुए हैं जो ग्रेन्स है इनको हम किस में स्टोर कर देते हैं, जो गनी बैग्स होते हैं,
जो बोरे होते हैं उनके अंदर इनको भर देते हैं एंड प्लेस्ड इन प्रॉपरली वेंटिलेटेड सीमेंटेड वॉल्स नोन एज गोडाउन्स। और फिर हम इनको जो प्रॉपरली वेंटिलेटेड गोडाउन वो होते हैं हॉल्स होते हैं जिनमें से जो हवा है आर पार आसानी से हो जाए, मतलब अच्छे से क्रॉस हो जाए हवा, तो गोडाउन है वहाँ पे इनको प्लेस कर दिया जाता है। फार्मर्स कीप ड्राइड ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। फार्मर्स क्या करते हैं, जो ड्राइड ग्रेन्स हैं इनको जो जूट जो बैग्स होते हैं उनके अंदर डाल देते हैं या फिर मेटेलिक बिन्स जो मेटल के बने हुए डिब्बे होते हैं उनके अंदर इनको स्टोर करके रखते हैं। लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज। जो लार्ज स्केल पर जब हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जब ग्रेन्स होते हैं उनको हम स्टोर करते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, ग्रेनरीज में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जब लार्ज क्वान्टिटी में जब हमें ग्रेन को स्टोर करके रखना है गोडाउन के अंदर, तो उससे पहले हम क्या करते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे उनको बचा सके या फिर फफूंदी वगैरह ऐसा कुछ ना लगे, हम क्या करते हैं स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो उनपे अप्लाई करते हैं ताकि वो खराब ना हो, उनके पास मतलब कीड़े वगैरह ना आए या फिर चूहे वगैरह है वो वहाँ पे ना हो। एनिमल हस्बेंड्री। फूड इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। हमें खाना एनिमल्स से भी मिलता है। फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, इसलिए हम एनिमल्स को पालते हैं। एंड प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर, और इसके बदले में हम उन्हें प्रॉपर फूड अच्छा खाना रहने के लिए और उनकी केयर यानी की देखभाल करते हैं। वेन डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब ये लार्ज स्केल के ऊपर होता है, मतलब एक दो की जगह अगर हम ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ये लगा लो 150-200 के करीब अगर हम एनिमल्स को पाल रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ये कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर नंबर 2 हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।